For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. दोस्तों रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक ऑनेस्ट कन्फेशन देना चाहता हूँ। आज तक मैंने फिल्म देखते वक्त ना कभी क्लैपिंग करी है, ना ही मैंने कभी फिल्म देखते वक्त हुडिंग करी है, ना ही कभी शाउटिंग करी है, जो कहते हैं ना सीटियां बजाना और ऑल, मैंने कभी नहीं किया। लेकिन टाइगर जिंदा है में ऐसे मोमेंट्स है, ऐसे ब्रेथ टेकिंग एक्शन सीन्स हैं कि अपने आप ये सारी चीजें हो गई। एंड इट्स वेरी मच ऑनेस्ट कन्फेशन। तो मैं हूं राहुल बोझ, बताऊंगा कि टाइगर जिंदा है में क्या है खास, क्यों देखने के लिए जाएं फिल्म, सारी बातें डिटेल में। चलिए बात करते हैं स्टोरी लाइन की। तो डोंट वरी, मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा आपको, बस आपके सामने एक मोटा मोटा हिसाब रखूंगा। 25 भारतीय नर्सें हैं जो कि इराक में रहती हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी बिता रही हैं वो। अनफॉर्चुनेटली एक दिन ISC के लोग आते हैं उस शहर में और वो पूरी नर्सेज को हॉस्टेज बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। अब इंडिया में सवाल आता है कौन बचाएगा। तो ख्याल आता है शिनॉय, मिस्टर शिनॉय जो रॉ के सबसे बड़े सीनियर एजेंट है, वो बोलते हैं कि टाइगर बचाएगा, टाइगर को ढूंढो। टाइगर ढूंढने के लिए टाइगर हमें ऑस्ट्रिया में मिलते हैं एज यूजुअल। बस ये एक स्पॉइलर देना चाहता हूं मैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको बताया था, प्रिडिक्ट किया था कि ये जो वुल्फ सीन है ये टाइगर की एंट्री होगी और शानदार धमाकेदार होगी, और लो जी वैसा ही हुआ। टाइगर जिंदा है में भाईजान का जो एक्शन सीन है ये सबसे पहला एक्शन सीन है और ये इंट्रोडक्टरी सीन है, और जो कि आपके घूसबम्स पैदा कर देगा, आप अपने दांतों तले उंगलियां दबाने लग जाएंगे क्योंकि ये इतना शानदार शूट किया गया है। तो टाइगर मिल जाता है, मिशन चालू हो जाता है। अब जोया वहां पे पहुंच जाती है। अब जोया वहां पे क्या कर रही है, है? थोड़ा सा सस्पेंस बढ़ाना कि जोया तो पाकिस्तानी एजेंट है, वो वहां पे क्या कर रही है, क्या जोया टाइगर की मदद कर पाएगी या फिर जोया का कुछ और प्लान है, क्या टाइगर इन 25 भारतीय नर्सों को छुड़ा पाएगा, क्या टाइगर जिंदा रह पाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसका जो मेन विलन है अबू उस्मान, उसका क्या होगा, क्या वो जो है वो टाइगर और जोया को मार पाएगा या क्या होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन उसके लिए मैं यही कहूंगा कि फिल्म देखो, फिल्म वर्थ वॉचिंग है और फिल्म यार भाईजान की फिल्म है और एक्शन सीन से भरपूर है, तो आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों मुझे लगता है ना कि डायरेक्शन के मामले में अली अब्बास जाफर जो है वो दिन प्रतिदिन निखरते जा रहे हैं। मेरे ब्रदर की दुल्हन, ठीक है, फिर उसके बाद आती है गुंडे, फिर आती है सुल्तान, और अब आती है टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है जितनी मसाला फिल्म वो बनाना चाहते थे उन्होंने उतनी ही बनाई है। जी हाँ दोस्तों, टाइगर जिंदा है के इंटरव्यू के दौरान भाईजान के लिए बोला था उन्होंने कि मैं भाईजान के लिए सिर्फ ऐसी मूवीज बनाऊंगा जो कि उनके फैंस चाहते हैं। हम फैंस क्या चाहते हैं, भाई एक्शन सीन करें, भाई हाई ऑक्टेन सीन्स जब परफॉर्म करें तब उनकी मसल्स दिखें, स्पेशली उनकी अपर बॉडी दिखे, राइट? यही सब चाहते हैं ना, भाई रोमांस करें, भाई जो गुंडे हैं उनको ढिशुम 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 करें, गोलियां चलाएं वगैरह वगैरह। और इस फिल्म में उन्होंने पूरे जितने भी ऑडियंस हैं उनका दिल जीत लिया है, जितने भी फैंस हैं उन्हें नेल डाउन कर लिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उन्होंने फिल्म ऐसी बनाई है, ऐसी डायरेक्ट करी है। स्क्रीन प्ले में उनका साथ जो नीलेश मिश्रा साहब ने दिया है, और वो पर्टिकुलरली इस बात को मेंशन करते हैं कि ये जो फिल्म है ये हिंदू या मुसलमान या इंडिया या पाकिस्तान को लेकर बिल्कुल भी नहीं है, ये जो फिल्म है ये ह्यूमैनिटी के ऊपर है, ये लव के ऊपर है, पीस के ऊपर है, कहते ना अमन और चैन के ऊपर है। और ऐसा डायरेक्टर अली अब्बास जाफर ने प्रूव किया है और सही कराया जो यशराज ने उन्हें ये फिल्म बनाने के लिए दी, और वो उसके लिए सुटेबल है। लेकिन अली अब्बास जाफर की तारीफ करनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल कास्ट एंड क्रू को आपस में जोड़ा और इतनी अच्छी एक हॉलीवुड टाइप की फील थी हमें यार फिल्म देखते हुए। आप फिल्म देखेंगे ना आपको ये लगेगा, और स्टार्टिंग से लगेगा। स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्टरी सीन है, जो म्यूजिक है, टाइगर की एंट्री ले लो, जोया की एंट्री ले लो, और इसमें जो कॉमिक रिलीफ देते हैं परेश रावल साहब, वो डायरेक्टर इम्तियाज अली ही कर सकते हैं। डायरेक्टर सर, आपको मैं पर्सनली थैंक यू कहना चाहूंगा कि इतने दिनों बाद इतनी अच्छी फिल्म, वो भी इतने ज्यादा हाई ऑक्टेन सीन्स के साथ आई है, सैल्यूट यार। दोस्तों किसी भी जो फिल्म है उसका जो लुक डिसाइड होता है वो डायरेक्टर तो करता है, लेकिन सिनेमेटोग्राफर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मेरी वीडियोस में ज्यादातर दीपेश करता है, मेरा कैमरामैन, वैसे ही इस फिल्म में जो है वो सिनेमेटोग्राफर है मार्सिन लस्काविक, थोड़ा सा अजीब नाम है मार्सिन लस्काविक, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ।
मार्सिंग लस्काविक सर ने अपनी जॉब के साथ जस्टिस किया है, चाहे वो टाइगर का इंट्रोडक्टरी सीन हो, चाहे वो जोया का इंट्रोडक्टरी सीन हो, या फिर परेश रावल सर की एंट्री हो, या फिर पूरी कहानी का जो टोन है, एक टोन आपको है ना बहुत ही रस्टिक नजर आएगा फिल्म में। ऐसा कोई लैविश या फिर आपको जो फील होती है ना ग्रैंड वाली फील, वो तो आएगी, लेकिन वो रस्टिक आएगी, बहुत ज्यादा रॉ आएगी। क्यों? क्योंकि ये एक वॉर एपिक फिल्म है और ये वॉर ड्रामा फिल्म है, एक्शन और थ्रिलर दोनों है। तो मार्सिंग लस्काविक जो करते हैं, मतलब जिस तरीके से उन्होंने कैमरा एंगल्स का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से उन्होंने एक्शन सीन्स में जो कैमरा एंगल प्रॉपर यूज होते हैं वो यूज किए हैं, वो काबिले तारीफ है, माशा अल्लाह है। मार्सिंग सर की एक बात ये भी मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने जो फिल्म है टोटल फिल्म, उसे पूरी तरीके से हॉलीवुड वे में शूट करने की कोशिश करी है। अगर आप हॉलीवुड की वॉर फिल्में देखेंगे, जैसे कि अगर आर्गो एक फिल्म आई थी, हालांकि वो वॉर फिल्म नहीं थी बट इराक पे ही वो बेस्ड थी, तो उस फिल्म में जिस तरीके से कैमरा एंगल्स है, जिस तरीके से टेंशन का माहौल क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से लास्ट का चेजिंग सीन है, ये सारी चीज़ें मार्सिन सर ने अच्छी तरीके से कैमरे में दिखाई है और हम लोगों को वो समझ में आता है, अप्रिशिएट ही करेंगे हम लोग क्योंकि काम इतना अच्छा हुआ है। फिल्म जो है वो टोटल 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म है, लेकिन फिल्म को इतना टाइट जो एडिट करके लाए हैं वो हैं रामेश्वर एस भगत जी। रामेश्वर एस भगत जो हैं वो इस फिल्म के एडिटर चीफ हैं, वो उनका उनके टीम है पूरी और उन्होंने फिल्म को एडिट किया है और प्रॉपर सीन को कहाँ फिक्स करना है, कौन से गाने को कहाँ पे लाना है, ये रामेश्वर सर ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। वेल, एडिटर से एक बात मुझे भी याद आती है, मैंने आपको याद है बताया था कि स्वैग से करेंगे स्वागत जब रिलीज हुआ था तो ये गाना कहाँ आएगा, याद कीजिए बताया था ना मैंने, और आपके इस दोस्त राहुल भोज ने सही बोला था। स्वैग से करेंगे स्वागत जो है वो एंडिंग सॉन्ग है और वो एक तरह से पीस का सेलिब्रेशन है, ह्यूमैनिटी का सेलिब्रेशन है, और इसे प्रॉपर तरीके से जो रामेश्वर सर हैं उन्होंने रखा है, लास्ट एंडिंग में रखा है। इट्स नॉट स्पॉइलर, ये तो मैंने पहले ही आपको अपना प्रिडिक्शन बता दिया था और आज मैंने आपको कंफर्मेशन भी दे दी है, आपको अच्छा लगेगा सॉन्ग। और एडिटिंग की मैं क्या बात कर सकता हूँ, मैं यही बात कर सकता हूँ कि फिल्म में प्रॉपर तरीके से एडिटिंग हुई है। अगर आप वॉर सीन ले लो, आप जोया और टाइगर की लव स्टोरी ले लो, उनकी फैमिली लाइफ ले लो, या फिर किस तरीके से जो सारे जितने भी एजेंट्स हैं वो आपस में मिलते हैं, लड़ते हैं, वो सबको टाइट तरीके से एकदम कंप्रेस्ड वे में प्रस्तुत किया है रामेश्वर सर ने। एक्टर्स की बात करते हैं आप, जो फिल्म की एक तरह से बैकबोन होते हैं, एक्टर्स में जो सबसे पहले जो मेरा दिल जीत के ले गए हैं वो हैं सजाद डेलाफ्रोज, मिस्टर सजाद डेलाफ्रोज ईरानियन एक्टर हैं। ओह क्या एक्टिंग करते हैं यार, आंखों से खेलते हैं वो, आंखों से मतलब उनकी आंखों में ऐसी दहशत है ना, आपको है ना एकदम सिरहंसी पैदा होगी, चाहे वो उनका स्टार्टिंग सीन हो, जब उनका इंट्रोडक्टरी सीन है। याद है मैंने आपको एक 1 मिनट के छोटे से रिव्यू में बताया था इंटरवल से पहले कि उनकी एंट्री होती है वो टेरिफाइंग है यार, वो हॉरर क्रिएट करते हैं, वो टेंशन का माहौल क्रिएट करते हैं, वो स्लैपस्टिक जो विलन्स होते हैं हमारे बॉलीवुड में वैसे नहीं है वो बिल्कुल भी, उनकी आंखों में एक दहशत है, एकदम खुमार है कि वो खा जाएंगे सामने वाले को। और टाइगर के ऑपोजिट उनको रखना ना मेकर्स का बहुत ही ज़्यादा वाइज डिसीजन है। अगले जिसमें सपोर्टिंग कास्ट की बात करना चाहूँगा, वो सपोर्टिंग कास्ट में सबसे बेस्ट लगे मुझे और फनी लगे मुझे, मैं बात कर रहा हूँ परेश रावल साहब की। परेश रावल सर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा फनी है, विटी है, ह्यूमरस है, बट साथ ही साथ वो लालची है, उसको देखकर गुस्सा आता है आपको, वो बहुत पैसों के पीछे भूखा है कि उसको पैसे चाहिए, हर चीज़ के पैसे चाहिए, और यहाँ तक कि एक डायलॉग है, ये तो ऐसा पर्सन है कि ये तो अपने माँ बाप को तक बेच देगा, ऐसा एक डायलॉग मारता है इसमें एक बंदा, आप फिल्म देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे। परेश रावल सर ने अच्छा काम किया है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया देखकर उन्हें, उनकी कॉलर ट्यून बड़ी अच्छी है, आप उनकी कॉलर ट्यून जब सुनते हैं तो अपने आप हंसी आ जाती है, चाहे वो टेंशन का माहौल हो या फिर ऐसे वॉर वाला माहौल हो, फिल्म में जब उनका फोन बजता है ना आपको अपने आप हंसी छूट जाएगी। परेश रावल सर के साथ एक सस्पेंस जुड़ा हुआ है इस फिल्म में, मैं नहीं चाहता रिवील करूं मैं उस चीज़ को, लेकिन वो सस्पेंस बहुत ज़्यादा, आप उसको गैस नहीं कर पाएंगे, आप लगेंगे OMG ऐसा भी होता है, तो ये इस तरीके से है। ओके, अगले जो एक्टर आते हैं वो हैं कुमुद मिश्रा सर। कुमुद मिश्रा इसमें कंप्यूटर हैकर बने हैं और हमेशा वो हनुमान चालीसा गाते रहते हैं क्योंकि वो इतना डरते हैं, उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, थोड़ा सा नर्व्स के ढीले हैं वो, मतलब बीमार से रहते हैं, बीमार नहीं कह सकते, वो कमज़ोर हैं, दिल से थोड़ा सा कमज़ोर हैं, कोई भी खतरा आता है तो तुरंत जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गाने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा फनी है। एक सीन है जो थोड़ा सा मैं रिवील करना चाहूँगा, कहीं एक टेंशन का माहौल है, कुमुद मिश्रा आराम से
केला खा रहे हैं वहाँ पर, तो थोड़ा सा फनी लगता है। अंगद बेदी हैं इसमें, इसमें अंगद बेदी ने अच्छा काम किया, जितना उनको मिला उन्होंने सही काम किया। बाकी के और एक्टर्स हैं जो कि पुराने वही एक्टर्स हैं जो जोया के साथ ISI के एजेंट थे। हाँ, इसमें एक अनुप्रिया गोयनका करके एक लड़की हैं जो कि मेन नर्स बनी है, और उनकी जो एक्टिंग है वो अच्छी है। वो वल्नरेबल दिखती हैं, वो शार्प दिखती हैं, वो तेज़ हैं, लेकिन जो वल्नरेबिलिटी का उनका जो एक थिन लाइन है ना, वो पकड़ में आ जाएगी, अच्छी लगेंगी वो आपको स्क्रीन पे। अब बात करते हैं हम सबके फेवरेट टाइगर और जोया के बारे में। तो जोया यानी कि कैटरीना कैफ की ये अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म है। कैटरीना कैफ इतनी ज़्यादा अच्छी किसी भी फिल्मों में नहीं लगी, चाहे वो एक्शन सीन कर रहे हो, चाहे वो रोमांस कर रहे हो, कैटरीना कैफ सब पर भारी है। एंड कैटरीना कैफ को लिटरली ये टाइटल मिलना चाहिए टाइगरस का, क्योंकि उन्होंने टाइगर के कंधे से कंधा मिलाया है। लेकिन मुझे एंडिंग में थोड़ा सा ना गड़बड़ लगी, थोड़ा सा इमोशनल था, तो कैटरीना कैफ उसको पुल ऑफ नहीं कर पाई। बट कोई बात नहीं, आपने इतना अच्छा एक्शन सीन हमें दिखाया, इतनी ऐसे कूदती हैं, उछलती हैं, दुश्मनों को मारती हैं, वो ट्रेलर में भी देखते हैं आप, तो वो आपको मजा आएगा, आपको लगेगा ना कि कैटरीना को देखे कि मार 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 इसको, मार इसको, मतलब इतना आपको कैटरीना के साथ कनेक्ट हो जाओगे यार, इतना अच्छा लगेगा उनका कैरेक्टर, स्पेशली जब वो विलन्स को मार रही हैं एकदम उल्टी उछल के, और समथिंग जो जो एक्सरसाइज फॉर्म होती है, मुझे नहीं पता, फाइटिंग स्टाइल होती है वो, उसके थ्रू। हाँ, कैटरीना कैफ जब रोमांटिक सॉन्ग आता है ये दिल दिया गल्ला, उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी हैं, स्पेशली वो पिंक ड्रेस में। और डायलॉग्स की बात करें तो कैटरीना कैफ की डायलॉग डिलीवरी तो मैं क्या बोलूँ, अभी थोड़ा सा अभी अवॉइड करते हैं इस बात को, लेकिन हाँ, उनके एक्शन सीन्स आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे और आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अब दिल थाम के बैठिए, मैं बात करने वाला हूँ हमारे टाइगर की, यानी कि सलमान खान की। तो पूरी फिल्म में सिर्फ और सिर्फ सलमान खान, सलमान खान, सलमान खान है। 20 मिनट बाद उनकी एंट्री होती है, लेकिन वो जो एंट्री है वो शानदार है, खतरनाक है, कातिल है। सेम वही भेड़िए जो मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रिया में शूटिंग हुई है, और ये जो भेड़िए हैं ये रियल के हैं, नो VFX, इनको ट्रेन किया गया है। तो अगर आप इनको देखेंगे ना, मतलब जब शूट चल रहा होगा, जब फिल्म चल रही होगी, तब आप बोलेंगे यार ये भेड़िए इतने समझदार हैं, मतलब इतने तो कोई इंसान तक नहीं होते हैं, भेड़िए इतने समझदार हैं, इतना अच्छा उनसे एक्शन सीन्स जो है निकलवा लिया है आलिया अब्बास जाफर ने, और उनके जो एक्शन डायरेक्टर हैं वो डार्क नाइट के, याद है मैंने आपको बताई थी वो वीडियो में बात, जी हाँ समझ गए आप। तो सलमान खान को जितना कैरेक्टर दिया ना, उससे ज़्यादा वो उभर कर आए हैं। सबसे पहले भाई की बॉडी दिखिए यार, आओ जी आओ जी, दिल से दिल लगाओ जी, भाई की बॉडी ज़बरदस्त लग रही है, स्पेशली एक सीन में वो शर्टलेस होते हैं, टी शर्ट लेस होते हैं, फिर उसके बाद जब वो गन चलाते हैं, मशीन गन MG 32 जब जो चलाते हैं धड़ 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 करके, उनकी जो मसल पंपअप होकर ऐसे हिलती है ना भाई, मेरी भी एक दिन ऐसी बॉडी होगी क्यों। भाईजान ने डायलॉग डिलीवरी अच्छी करी है, भाईजान ने कॉमेडी अच्छी करी है, कॉमेडी के काफ़ी ज़्यादा ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब वो अपने कलीग्स के साथ कुछ भाभी भाभी करके कैटरीना कैफ को रिफ़र करते हैं, तो वो अच्छा लगता है सुनने में कि ये है भाभी, आ गई भाभी, कितना मारोगे यार, अब तो बंद करो, ऐसा इस टाइप का, अरे भाभी उस, अरे कुछ ऐसा बोलते हैं, समथिंग कुछ ऐसा डायलॉग है, मैं अभी बताना नहीं चाहता आपको, वरना आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। तो सलमान खान की ये फिल्म है, सलमान खान के लिए देखने जाएं। सलमान खान ने एक्शन तो ज़बरदस्त किया है, रोमांस थोड़ा बहुत जो था वो अच्छा किया है, प्लस ऑल ओवर सलमान खान का काम बेस्ट है, दी बेस्ट है। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं ना, ये सलमान खान की तारीफ, मतलब बात कर रहा हूँ, तो ये तो हो गया कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात, बट नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि सलमान खान की अगर आप फ़ैन हैं, अगर आप फ़ैन भी नहीं हैं, तो आप इस फिल्म को देखकर तुरंत सलमान खान के फ़ैन हो जाएंगे, जी हाँ फ़ैन हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं टाइगर जिंदा है देखने जाएं या नहीं जाएं, तो मैं ये बात आपको लिख कर दे सकता हूं कि टाइगर जिंदा है, आप देखने जाइए, क्योंकि इसमें ब्रेथ टेकिंग एक्शन सीन्स हैं और वो लॉजिकल हैं, इलॉजिकल बिल्कुल भी नहीं है, लॉजिकल हैं, नंबर वन। नंबर टू, इसमें आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन देखने को मिलेगी, ऑस्ट्रिया की और इराक की, जो कि इराक की नहीं है, अबू धाबी में शूट हुई है, लेकिन इतना अच्छा सेट बनाया है कि वो अच्छा लगता है देखने में। एक्शन सीन्स बहुत प्यारे हैं, अच्छे हैं, कैटरीना और सलमान की केमिस्ट्री अच्छी है सारे उन्होंने, और मूवी फास्ट है यार, आपको बोर नहीं होने देगी, आपके अंदर एक एड्रेनल रश लाएगी और आप है ना बोलेंगे अब क्या होगा,
अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, सारी चीजें, राइट। तो अगर मैं बात करूं स्टार्स की, तो टोटल मिला के मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि 5 स्टार्स दिए हैं मैंने। अभी भी मैं यही कहूंगा कि 1, 2, 3, 4, 5 स्टार दूंगा मैं इस पूरी फिल्म को, क्योंकि इतनी ज्यादा शानदार है। भाई ने स्वैग से करा है स्वागत और बर्थडे से पहले उन्होंने हमें गिफ्ट दे दिया है। एंजॉय कीजिए ये गिफ्ट अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपको कैसी लगी फिल्म, नीचे का कमेंट सेक्शन जो है उसमें अपना रिव्यू बताएं बताएं बताएं, क्योंकि वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप और मैं एक YouTube की फैमिली का हिस्सा है और आप मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।